बच्चों हम पढ़ रहे गृह विज्ञान कक्षा 12 का इकाई 8 8 का बा पाठ पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे सिलाई कढ़ाई और बुनाई। सबसे पहले देखेंगे सिलाई विज्ञान की तकनीकी के विकसित होने से जीवन के हर क्षेत्र में नयापन आ गया है, नवीनता आई है और यही कारण है कि आज हर कार्य मशीनों के द्वारा करा हो रहा है, जिससे हर काम को करने में आसानी हो रही है, सुविधा हो रही है, श्रम और शक्ति की बचत हो रही है। मशीन वह जो हाथ से और बिजली से चलती है, दो तरह की मशीनें हैं जिनको बिजली के माध्यम से भी चला सकते हैं और अपने हाथ से, परंतु अति आधुनिक तकनीकी संसाधन में कंप्यूटर के द्वारा कार्य का संचालन और नियंत्रण व्यापारिक स्तर पर होने लगा। तकनीकी संसाधन में कंप्यूटर के द्वारा कार्य का संचालन और नियंत्रण व्यापारिक स्तर पर होने लगा है, परंतु आम घरेलू जिला भी अपने घर पर हाथ तथा मशीनों से करते हैं। बड़े बड़े जो संस्थान हैं, व्यापार है, उनमें क्या है कंप्यूटर के माध्यम से होता है, लेकिन घरों में जो सिलाई का कार्य है महिला आसानी से अपने हाथ से भी कर सकती है और मशीनों से भी सिलाई का कार्य किया जा सकता है। तो सबसे पहले आता है टांके। सिलाई में सबसे पहले आता है टांके। टांके भी कई प्रकार के होते हैं, कच्चा टांका, कच्चा बड़ा टांका, कच्चा छोटा टांका, बतिया, हेमिंग, रन, ये बहुत से टांके होते हैं। तो देखेंगे टांके क्या है। तो मशीन से कपड़ा सिलने के पश्चात कुछ स्थानों पर हाथ से सिलाई टांके के रूप में की जाती है। जहां मशीन चलना संभव नहीं होता है, हाथ से सिलाई करके कपड़े की वास्तविक तथा उचित सुंदर शेप प्रदान किया जाता है। कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर मशीन से सिलाई नहीं, गले में सिलाई करना है, तुरपन करना है, हेम करना है, तो वहाँ पर मशीन से अगर काम करेंगे तो उसमें सुंदरता नहीं आती, वहाँ पर हाथ से ही सिलाई करना पड़ती है, जिससे कि कपड़े में सुंदर और उचित शेप प्रदान किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले है कच्चा टांका, जिसको रनिंग स्टिच भी बोलते हैं। कपड़ा क्या होता है, कच्चा टांका है, उसका उपयोग कपड़े को जोड़ने और आवश्यकता अनुसार उसका जहाँ जहाँ पर उपयोग होता है देखेंगे। कच्चे टांके भी दो प्रकार के होते हैं, बड़ा कच्चा टांका और छोटा कच्चा टांका। तो कच्चा बड़ा टांका, इस टांके का प्रयोग वस्त्र को अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे कपड़ों का सही तरह से बैठ जाए, विशेषकर रेशमी और ऊनी वस्त्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। कच्चे टांकों से सिलाई अच्छी व स्थायी हो जाती है। टांके बराबर के रहने पर कपड़ों का जोड़ अच्छा बनता है और इन टांकों को मशीन की सिलाई करने के बाद खोल लेना चाहिए। रेशमी कपड़ों पर इसलिए करते हैं क्योंकि रेशमी कपड़ा सरकता बहुत है, तो सिलाई करने में आसानी हो इसलिए बड़े बड़े कच्चे टांके लगा देते हैं और उसमें मशीन से सिलाई करने के बाद इन टांकों को खोल दिया जाता है। ऊनी कपड़ों पर भी इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। चित्र में देखेंगे कच्चे टांके, देखिए एक बराबर बराबर में ये इस तरह से आप जब सिलाई करेंगे तो कच्चे टांके दिखेंगे। अब हम आगे इसी में टांकों में असम कच्चा टांका, अभी देखा था कच्चा बड़ा टांका, अब है असम कच्चा टांका। इसमें
एक बार में सुई से कई टांके लिए जाते हैं। विशेषता यह है कि ऊपरी टांका लंबा तथा नीचे का टांका छोटा कर दिया जाता है। गोटा अथवा बॉर्डर आदि पर यह टांके लगाते हैं। यह ऊपर जब कपड़े के ऊपर रहता है तो इसको एक सा दिखता है और पीछे साइड से उसमें अंतर कर देते हैं तो ऊपर से तो एक सा दिखता है, छोटे टांके दिखेंगे, पर कपड़े की दूसरी तरफ आप पलट के देखेंगे तो वहां पर टांके बड़े बड़े लंबे लंबे दिखते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। अब है बराबर का कच्चा टांका। यह टांका फिसलने वाले वस्त्रों जैसे साटन, रेडीमेंटन, रेशमी आदि के लिए उत्तम है। इसके ऊपर तथा नीचे के टांके बराबर होते हैं और यह छोटे छोटे लगाए जाते हैं। यह टांके कपड़े के आगे और पीछे दोनों एक जैसे छोटे छोटे लगाए जाते हैं। अब है सादा टांका। सादा कच्चा टांका, सादा कच्चे टांके में यह टांका अन्य टांकों से मजबूत और स्थायी होता है। इसमें सुई को वस्त्र के ऊपर व नीचे बहुत छोटे छोटे भाग में फंसाया जाता है और यह स्थायी सिलाई के रूप में प्रयुक्त होता है। जो सादा कच्चा टांका है यह मजबूत होता है, इसलिए इसका प्रयोग भी ज्यादा किया जाता है। अगर मशीन नहीं है और सिलाई करना है तो वहाँ पर सादा कच्चे टांके का प्रयोग किया जाता है। यह देखिए चित्र में एक से बिल्कुल छोटे 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 ये टांके हैं और ये कपड़ों में ठीक क्यों किया जाता है, क्योंकि इससे कपड़ों में मजबूती प्रदान होती है। अब है बकिया अथवा बैक टांका, इसको बैक स्टिच भी बोलते हैं। मशीन की अनुपस्थिति में इस प्रकार की सिलाई की जाती है, इसे बखिया कहते हैं। यह मजबूत तथा अच्छी होती है। हाथ से बखिया करने पर एक ओर के टांके तो सुंदर दिखते हैं परंतु दूसरी ओर के टांके एक के ऊपर एक रहते हैं, जिससे प्रत्येक टांका परस्पर जुड़ा रहता है। एक चित्र में देख रहे हैं आप, ये ऐसे ये टांके बने हैं, यह मजबूत रहता है। और अगर आपकी मशीन नहीं है तो उस स्थिति में इसका बकिये का प्रयोग किया जाता है सिलाई के रूप में।